बसवराजी बुम् चीफ मिनिस्टर कर्नाटक डॉक्टर मंत्री निर, लाल एंड मीडियम इंडस्ट्री कर्नाटक गवर्नमेंट जनरल अनी चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चीफ एयर स्टाफी मार्च चौधरी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अडमल आर हरिकुम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे डिफर सेक्रेटरी सक्रटरी श्रीघर

प्रोफेशनल्स एकेडमिशियंस मेरे मीडिया के मित्रों देवियों और तज्जनों, एशिया के अब तक के सबसे बड़े एयरो इंडिया के समापन समारोह में आप सब लोगों के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी है इस आयोजन की अभूतपूर्व सफलता पर न केवल रक्षा मंत्री बल्कि भारत का एक नागरिक होने के नाते भी मैं बड़े गौरव की अनुभूति करता हूं कर्नाटक हमारे देश के उन ऐतिहासिक प्रदेशों में से एक है जो राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में बड़े लंबे समय से अपना योगदान देता आ रहा है और इसके अलावा देश का चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो राजनीतिक क्षेत्र हो वैज्ञानिक क्षेत्र हो या फिर औद्योगिक क्षेत्र हो वह कर्नाटक से जरूर इंस्पायर हुआ है और उससे प्रभावित भी हुआ है डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में भी कर्नाटक ने अपने रोबस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के कारण देश और दुनिया भर के इंडस्ट्री का ध्यान आकर्षित किया है ऐसे में आज जब यह सेक्टर हमारी इकोनॉमी में अपना और अधिक योगदान देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो इस सेक्टर के महत्वपूर्ण प्रतीक एरो इंडिया के आयोजन के कर लिए कर्नाटक से बेहतर शायद ही कोई और दूसरी जगह हो सकती थी ऑल एरो इंडिया 2023 का समापन हो रहा है पर मैं समझता हूं कि समापन के साथ ही इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री की स्ट्रेंदनिंग की एक नई राह भी प्रशस्त हो रही है यह एक नई शुरुआत है और इंडियन डिफेंस सेक्टर की आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस के एक नए युग का जिसमें यह सेक्टर एक नई एनर्जी नए, नए कमिटमेंट और नए एंथुजियाज्म के साथ अपनी प्रगति के आधार पर मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा साथियों एयरो ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि नए भारत का नया डिफेंस सेक्टर पिछले कुछ वर्षों में लगातार ब्रॉडन और इनर्जी ही नहीं हुआ है बल्कि दुनिया के अग्रणी देशों के डिफेंस सेक्टर के साथ कदम ताल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है इस इवेंट के इनाग्रेशन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वयं यहाँ उपस्थित होना और बड़े इंटरेस्ट के साथ यहाँ की एक्टिविटीज को देखना स्टॉल्स विजिट करना यही इस बात का प्रमाण है कि इस आयोजन के लेकर वह अत्यंत उत्साहित भी थे और आश्वस्त भी थे इनाग्रोलाइटेस में प्रधानमंत्री जी का यह कहना कि एरो इंडिया केवल एक शो नहीं है यह इंडिया की एक स्ट्रेंथ भी है इस इवेंट की महत्ता को यह स्पष्ट करता है साथियों आज संपन्न हो रहे बंधन को मैं न केवल एयरो इंडिया के एक महत्वपूर्ण इवेंट बल्कि इसे मैं एक बड़ी बड़े अचीवमेंट के तौर पर मैं देखता हूं अभी हमने देखा कि इस समारोह में लगभग ढाई सौ साइन किए गए हैं और इसके साथ डीआरडीओ द्वारा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया गया है और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर द्वारा नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप और मैन्युफैक्चर करने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई हैं इन बिजनेस टू बिजनेस इंगेजमेंट में अपार बिजनेस पोटेंशियल है और ए इंडियन डिफेंस कंपनीज के ग्लोबल इंगेजमेंट को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ऐसा मेरा विश्वास है ये यम और टीओटी -टी, डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर के एक्सपेंशन का मार्ग प्रशस्त करेंगे और देश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक नई हाइट देने में कामयाब होंगे बंधन इवेंट का नाम बंधन मैं समझता हूं यह उपयुक्त है बंधन का सामान्य अर्थ तो किसी से बधना होता है अपनी स्वतंत्रता को किनारे रख किसी दूसरे के नियमों कानूनों के अनुरूप चलना होता है पर बंधन का एक दूसरा अर्थ है जो बहुत ही पॉजिटिव है बहुत ही सकारात्मक है बंधन का अर्थ होता है किसी के विचारों मान्यताओं और मूल्यों से जुड़ना उसे अपनी पहचान या आइडेंटिटी का हिस्सा बनाना और अपने आप को और अधिक मजबूत बनाना ठीक वैसे ही जैसे पेड़ों की जड़ें मिट्टी को अपने में बांधे रहती हैं, इससे पेड़ स्वयं तो मजबूत होता ही है पेड़ के कारण मिट्टी की भी मजबूती बनी रहती है और दोनों का संबंध वर्षों वर्षों तक चलता है सालों सालों तक चलता है हमारा देश भारत तो बंधन को एक उत्सव के तौर पर मनाता है रक्षाबंधन के रूप में हर तरह का प्रेम वह चाहे व्यक्तिगत हो पारिवारिक हो राष्ट्र प्रेम हो या परंपराओं के प्रति प्रेम हमें एक बंधन में बांधकर अपनी आइडेंटिटी देता है एक सेंस ऑफ प्राइड देता है इस प्रकार आज होने वाला बंधन महज केवल केवल समझौता भर नहीं है जो कुछ आर्थिक लाभ तक ही सीमित हो यह संबंध दो पार्टी या दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच का एग्रीमेंट भर नहीं है बल्कि हमारे राष्ट्र को रक्षा क्षेत्र में स्ट्रेंथन करने के लिए एक नया संकल्प है साथियों इस इवेंट में बड़ी संख्या में हमारी फ्रेंडली कंट, कंट्रीज भी नए बंधन में बंध रहे हैं आप लोगों के साथ शुरू हो रहा यह बंधन बिजनेस कोलेबरेशन को मजबूत करने के साथ साथ लंबे समय तक हमारे बीच के भरोसे को कायम रखेगा और हमारी पार्टनरशिप को और मजबूत करेगा ऐसा मेरा विश्वास है साथियों आज मैं आप सभी के बीच एक और महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूं कर्टेन रेजर में मैंने वादा किया था कि मैं एक बड़े अनाउंसमेंट के साथ सामने आऊंगा और जब से मैंने देश के डिफेंस मिनिस्टर का दायित्व तो संभाला है मेरा पूरा प्रयास रहा है कि मैं देश की डिफेंस इंडस्ट्रीज के इंटरेस्ट की रक्षा के लिए कुछ करूं मेरी नजर में हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का मतलब देश के सिक्योरिटी सिस्टम को और अधिक मजबूत करने के साथ साथ देश की इकोनमी को भी मजबूत करना है इसलिए हमने पिछले कुछ वर्षों में इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री और खासकर प्राइवेट इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए बराबर इनकरेज किया है प्रारंभ में मैंने देखा कि डिफेंस इंडस्ट्री के हमारे साथी इस सेक्टर में पैर रखने से घबराते थे उनको हेजिटेशन होता था माहौल ऐसा नहीं था कि सेक्टर इस सेक्टर में आ सकें प्रयास तो पहले भी शुरू हुए थे कुछ कदम आगे भी बढ़ाया गया था पर ऐसा इन्वायरमेंट नहीं बन सका था जो कि हमारी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री के लिए आवश्यक था मैंने फील किया कि सरकार और इंडस्ट्रीज के बीच कहीं तो कहीं कोई गैप है जिसे खत्म करना जरूरत जरूरी है ऐसा मैंने महसूस किया कुछ चीजें तो पता थी ही हमें पर हम चाह रहे थे कि इस संबंध में हम हर वह चीज जाने और समझें जिसकी कि हमें ज़रूरत है इसके लिए हमने बिजनेस फर्टनिटी से सीधा संवाद अवस्थापित किया उनसे सीधी मैंने बातचीत भी की ताकि पता तो चले कि उनकी नीड्स क्या क्या हैं उनकी आवश्यकताएं क्या क्या हैं और सरकार से उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और स्वयं मैंने इंडस्ट्री के हमारे साथियों से बहुत ही क्लोजली बातचीत किया इंटरेक्ट किया उनके साथ चाय पर काफी के अनेक कप्स हमारी बातचीत के गवाह बने हैं। उनमें से अनेक के रिप्रेजेंटेटिव्स को मैं यहां देख भी रहा हूं कहना मैं यह चाहता हूं कि हमने एक एक करके पॉइंट वाइज तरीके से हर्डल्स को हटाने का प्रयास किया और मैं कह सकता हूं कि उसमें हम सफल भी रहे हैं आप लोगों ने कहा तो हमने आपके लिए अनुकूल पॉलिसीज बनाई सरकार ने आपके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट किया बिजनेस इंटिटीज के लिए टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है हमने उसे उपलब्ध कराने में के भी कई मार्ग खोले आप लोगों ने कहा तो हम स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मॉडल ले आए और आपने कहा तो हमने एफडीआई की लिमिट में भी बढ़ोतरी कर दी कहने का मतलब इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए हमने हर वे कदम उठाए जो उठाए जा सकते थे यह हमारे प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह था यहां तक कि हमने उनके लिए डिमांड भी एश्योर किया जैसा कि हम सभी जानते हैं डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आम तौर पर सेलर ज्यादा और बायर कम होते हैं एक मोनोपोसनी जैसी स्थिति बनी रहती है यह भी संभव नहीं होता कि कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन शुरू करे और तुरंत ही ग्लोबल मार्केट में वो अपनी पहुंच बना ले वर्ल्ड लेवल पर एक अलग ही लेवल का कंपटीशन है इस सेक्टर में इसे हम सभी जानते हैं ऐसे में हमने यह समझा कि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है उन्हें प्रोत्साहित करना है उनके प्रोडक्ट्स का डोमेस्टिक डिमांड भी एश्योर होना यह आवश्यक है इसके लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए 2020-21 के दौरान हमने डिफेंस बजट में से कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए 58 परसेंट हिस्सा इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए रिजर्व कर दिया इंडियन इंडस्ट्री डिफेंस इंडस्ट्री के फेवर में यह एक लंबी छलांग थी और जैसा कि आप जानते हैं यह छलांग यह स्टेप बहुत ही लंबी होती है तो गिरने का भी बहुत खतरा बना रहता है मुझे मालूम नहीं कि यहां पर यह बोलना उचित होगा या नहीं होगा पर इस कदम पर सरकार को क्या क्या सुनने को नहीं मिला था तरह तरह की आशंकाएं जताई थी लोगों ने कि पहली बार में ही इतना बड़ा शेयर अपनी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए यह उचित है कि नहीं है और हमारे सामने पहला विकल्प था कि संशय करके हम अपने आप को शेल में बंद रखें और दूसरा विकल्प था अपनी इंडस्ट्री पर भरोसा करके रिस्क लेकर एक नई उड़ान भरने के लिए हम अपने पंख फैलाएं और मैंने यही किया मुझे कहते हुए बेहद खुशी होती है कि हमारी इंडस्ट्री ने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई कि 58 परसेंट खर्च का हमने जो टारगेट रखा था उसकी एक्चुअल एक्विजिशन सीधे 64 परसेंट हुई इसे देखते हुए हमने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए एक हिस्सा 64 परसेंट निर्धारित कर दिया लेकिन इस टारगेट को तोड़ते हमारी एक्चुअल प्रोक्योरमेंट 65 परसेंट तक पहुंच गई फिर इस बार यानी 22-23 के लिए हमने यह शेयर 68 परसेंट कर दिया अभी आंकड़े आए तो नहीं हैं, पर इस बात की पूरी संभावना है कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री से प्रोक्योरमेंट इससे कहीं अधिक होगा मैं कॉन्फिडेंट हूं और आप लोगों को आप लोगों को यह लग रहा होगा कि आज यह सब आंकड़े देने का यह कोई समय तो है नहीं पर आप लोगों के सामने मुझे यह कहते हुए गौरव की अनुभूति होती है गर्व की अनुभूति पर सरकार और समाज का भरोसा इतना बढ़ता जा रहा है इतना बढ़ता जा रहा है कि पिछले साल इंडियन वेंडर से कैपिटल एक्विजिशन के लिए जो शेयर 68 परसेंट किया गया था अमृतकाल से प्रेरित होकर वह शेयर आगामी वर्ष यानी 2023-24 के लिए सीधे सीधे 75 परसेंट कर दिया गया है आई रिपीट यह हिस्सा तीन चौथाई थ्री फोर्थ कर दिया गया है जो लगभग वन लाख करोड़ रुपए बनता है हमारे डिफेंस सेक्टर को और अधिक मजबूत करने के लिए यह सरकार का एक बहुत ही अभूतपूर्व फैसला है राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आप अगर एक कदम बढ़ाते हैं तो सरकार का यह वादा है कि सरकार उसके लिए दस कदम आगे बढ़ाएगी आपने हमसे विकास की राह पर दौड़ने के लिए जमीन की बात की थी आपने विकास की राह पर दौड़ने के लिए हमसे जमीन की बात की थी पर आपकी स्पीड और आपकी हाइट को देखते हुए हम आपको भरा भरा पूरा आसमान उपलब्ध कराने की ओर आगे बढ़ रहे हैं डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का थ्री फोर्थ हिस्सा डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए एयरमार करना उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है मुझे पूरी आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि इस कदम के बाद हमारी डिफेंस इंडस्ट्री और अधिक जोश और उत्साह के साथ सामने आएगी और देश के डिफेंस सेक्टर को और अधिक सशक्त और समृद्ध करने में अपना योगदान देगी और यह बेहद खुशी की बात है कि एयरो इंडिया 2023 इस अभूतपूर्व फैसले का साक्षी बन रहा है और यह एयरो इंडिया इतने भव्य तरीके से संपन्न हुआ इसके लिए एरो इंडिया से जुड़े सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं यह इवेंट में एक संकल्प लेने के लिए इंस्पायर करता है कि अपनी प्रगति की राह पर न तो हम कहीं थकेंगे और न ही कभी हम थक, थमेंगे न ही किसी बाधा के सामने हम रुकेंगे न ही हम किसी समस्या के सामने कभी झुकेंगे मुझे विश्वास है कि हमारे मन में यह संकल्प हमेशा बना रहेगा इस अवसर पर इससे अधिक कुछ न कहते हुए एरो इंडिया 2023 को एक बड़ी सफलता बनाने के लिए एक बार फिर मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं बहुत बहुत